वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज़रा की दुनिया। और मैं पहुंच गई हूं अपने गांव, पहला पुराना ससुराल जो कि परपर दादा के ज़माने का बना हुआ घर है। उसके साथ मैंने ये पीछे का सीन दिखाया है, ये जो पहले था ना इसको दलान बोला जाता था, जिनकी दीवारें 15 से 20 इंच के बने हुए हैं, बहुत मोटा। और इसकी जो चुनाई हुई है ना वो मिट्टी से हुई हुई है। और आज है मिलाद का दिन, मिलाद के दिन का सारा खाना रेडी हो चुका है। साथ में ये सामने वाला जो है ना वो एंट्री गेट है और बीच में बड़ा सा आंगन है। ये पहले ज़माने में बीच में आंगन हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ लालटेन था, लालटेन के साथ में यहाँ एक छोटा सा दिया था। और ये दिया, लालटेन, ये सब पिछले ज़माने के, मतलब आज के ज़माने में मिट्टी तेल मिलना ही बंद हो गया, तो इसका यूज़ भी बंद हो गया है। साथ ही साथ जो घर में है ना बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पलंग, ये पलंग मेरी सास का है। सोचिए सास का पलंग है, कितना पुराना होगा ये पुराना सा घर, या बहुत कम आते इस वजह से इसमें सब पुराना हो चुका है। अब ये छोटी सी एक रस्म है जो कि हमें निभानी है। मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं किसी और की शादी अटेंड कर रही हूँ। फर्स्ट शादी मैंने खुद की अपनी लाइफ में अपनी ही देखी थी, बाद में मैंने ये फर्स्ट टाइम किसी की अटेंड की है। तो जो जो रस्में होती है ना वो बहुत दिलचस्पी लेके मैं भी निभा रही हूँ और बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये जो दुल्हन की ये जो थाली सजा रही हूँ ना वो दुल्हन के लिए है। इसमें उनके कपड़े हो जाएंगे, श्रृंगार की सारी चीज़ें जो कि शादी होने के बाद वो अपने साथ लेके जाएगी। इसके साथ में है चूड़ियाँ, बिंदी, कपड़े, मिठाइयाँ। और ये जो मैं दे रही हूँ ना ये दुल्हन की मम्मी है, इनको मैं दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम दे रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, सो फाइनल ये हो गया। उसके बाद बारी आती है मिलाद सुनने की। तो मिलाद स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अयाज और उसके पापा रेडी हो रहे हैं मिलाद सुनने जाने के लिए। जैसे ही जाएंगे उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है मैं आपको बताने वाली हूँ। इनके जाने के बाद मैं चली गई थोड़ी देर के लिए छत पे, ताकि मैं पूरा कैप्चर कर लूँ। सो ये देखिए पूरा बड़ा सा एकदम टेंट लगा हुआ है द्वार पे। द्वार होता है ना जैसे बिहार में बहुत बड़ा सा होता है, उस घर के आगे उसी में सारा टेंट वगैरह लगा हुआ है। और ये ऊपर से आंगन में दिखा दूँ, यहाँ नीचे हम लोग खड़े थे ना ये आंगन है, यहाँ पे भी टेंट लगा दिया गया है, ताकि रात को जो प्रोग्राम होने वाला है ना उसमें कोई भी परेशानी ना हो। प्लस बैक घर के बैक साइड भी टेंट लगा हुआ था लेडीज़ के स्टे करने के लिए। और इस वक्त का मैं टाइम बताऊँ ना तो इस वक्त बज रहे थे डेढ़, रात के डेढ़ बज रहे थे। डेढ़ बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है आंगन में। तो यहाँ पे चालू हो चुका है, जितने भी छोटे बच्चे बच्चे थे वो सो चुके थे, बस एक ही बंदा जगा हुआ था जो कि किसी और का बच्चा है, मेरा नहीं है। यहाँ पे बनने जा रहे हैं गुलगुले, पकौड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है जो कि सुबह ताक भरने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब ताक भरना क्या होता है वो भी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसमें देखिए क्या क्या बनाया जाता है। सो ये एक जगह हुए थे ना तो बहुत बड़ी सी कढ़ाई चला ली थी और ये कैन उठाना था तो हमारे बस की तो थी नहीं, तो ये पकड़े गए, इनसे डलवाया गया ऑयल, इन्होंने डाल दिया। अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो गुलगुले के जो बैटर तैयार किया गया था सुबह में तैयार कर दिया गया था और रात में बनने जा रहे हैं रात के डेढ़ बजे। देखिए मतलब पुराने ट्रेडिशन तरीके से जो बनाए थे ना लेडी से वो अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पे गीत हो रहे थे, यहाँ पे सॉन्ग बज रहे थे, बहुत बढ़िया माहौल हो गया था। और ये कम से कम सुबह के 4 बजे तक चला है, पूरी रात जगने को हुआ है हमारा, मतलब पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। और यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक करके ये गुलगुले बनने तैयार हो रहे हैं। साथ में ये बहुत ज़्यादा बेटर था, इसमें भी भरा हुआ है, इस वाले में भी भरा हुआ है, तो दूसरों की हेल्प नहीं तो बनती ही है ना। तो यहाँ 3-4 लोग और लग गए। यही तो एक ख़ास बात होती है ना गांव में शादी की, कि जो भी लोग आस पड़ोस के जितने भी होते हैं गाँव वाले जो भी आते हैं ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब घर के माँ बाप जिनकी बेटी की शादी हो रही होती है ना उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, गाँव वाले पंच वाले सब कर देते हैं एक एक करके। और यहाँ पे जो है ना पकौड़ियाँ तलनी शुरू हो गई है, गुलगुले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ना प्लेन पकौड़ी, इसमें नमक और हल्दी होता है, बेसन होता है, बस ये भी गांव में बांटने के लिए ही तैयार किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, आटे का एक ना वो चिड़िया टाइप का बनाया जाता है, उसको भी फ्राई करेंगे चिड़िया चिड़िया टाइप का बना के, और गोल गोल आटे का गोल गोल गोला बना के और उसको स्टीम कर देंगे, बॉईल कर देंगे, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो होती है ना वो बहुत मेन होती है, और चने के दाल होते हैं और चना होता है। सुबह के बज चुके हैं 5, सारे कुछ तैयारी हो चुकी है। और ये होता है ताक भरना, मतलब जो बुआ होती है ना लड़की की वो लेके जो डलिया सा लेके सर पे लेके चलती हैं मस्जिद तक,
और इतने सारे लोग आ जाते हैं ना गांव में, घरों में से निकल निकल के रास्ते से ज्वाइन करते जाते हैं। मैं अभी आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो है ये मेरे साथ में, ये दुल्हन की बहन है, ये इसका नाम हेना है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लड़की है। हम लोग सब जा रहे हैं मिलजुल के आगे मस्जिद में, और मस्जिद में क्या क्या होता है वो सब मैं बताऊँगी। और हाँ, रास्ते में जब हम जाते हैं ना तो बहुत सारे गीत हो रहे होते हैं, अलग अलग तरीके के गीत भर रहे होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं फाइनली मस्जिद के अंदर। अब मस्जिद में जो भी हो रही है ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ अपने आँखों से देख लीजिए, और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रस्म जो है वो किस किस के घरों में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो रस्म चल रही है आज ताक भराई का, ये जिस दिन बारात आने वाली होती है ना उसी दिन सुबह में की जाती है। 4:30 से 5 बजे के अराउंड बाहर निकल जाते हैं मस्जिद के लिए, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ होता है मस्जिद में जाके। देन उसके बाद जो बाहर निकलते हैं ना तो और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं दिखा रही हूँ। सो लीजिए, यहाँ पे ताक भराई की रस्म हो चुकी है, और मुझे कमेंट कर दीजिएगा किन किन के घरों में शादियों में ये वाली रस्म होती है। लेकिन निकलने से पहले जो बुआ होती है ना वो मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाती हैं, और जब तक नेक नहीं मिलता वहाँ से वो हटती भी नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा मुझे समझ में आया, और जो भी चीज़ें बनी हुई थी ताक भरने के लिए वो सब गांव वालों को बांटा जाता है एक एक करके। जैसे जैसे गांव वाले अपने अपने घरों की शादियों में बांटते हैं ना, वैसे वैसे ही उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाता है। और ये कार्यक्रम यहाँ पे लगभग ख़त्म हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर निकल रहे हैं। मतलब जितने भी लोग आए आप देख रहे हैं ना, ये सब गांव वाले हैं, और गांव वाले रास्ते में से ही ज्वाइन कर दिए हैं। और ये है, ये बुआ है, इन्होंने मुझसे कहा कि सबकी वीडियो बना रही हो, अपने क्यों नहीं बनवा रही हो। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे बनवाई, और जो बना रहा था इंसान ना वो सच में मेरे को बस थोड़ा सा ही कैप्चर किया, और बाकी नहीं कर पाई। ये वाली जो रस्म है ना मिलाद के दिन रात को 12 बजे शुरू हुई, और सुबह के यानी कि बारात वाले दिन 7 बजे ख़त्म हुई है। और नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।